क्राइसिस में गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भाभी जी घर पर है, ये सिर्फ एक सीरियल का नाम नहीं है बल्कि कई लोगों के हंसने का जरिया है। आज भी भाभी जी के नाम पर हमें सिर्फ दो लोग याद आते हैं, अंगूरी भाभी और विभूति नारायण मिश्रा, जिनको मोहल्ले वाले नल्ला कहकर पुकारते हैं। ये अपने घर पर कम और तिवारी जी के घर पर ज्यादा पाए जाते हैं, कभी खिड़की पर तो कभी गेट पर। और इनकी फेवरेट सब्जी है घुइया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे शो के गेस्ट कौन होने वाले हैं। जी हाँ, मिलिए आसिफ शेख से उर्फ विभूति नारायण मिश्रा से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विभूति जी कैसन बा? हम आपसे थोड़े से हॉट हो गए हैं विभूति जी। हाँ क्या बोले? हाँ सही पकड़े हैं। सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप 59 की उम्र में इतनी फिटनेस रखते हैं, कहीं आप अनिल कपूर से इंस्पायर तो नहीं है? बार बार आप जो घुइया का नाम लेते हैं पूरे शो में, ये घुइया खाते हुए आप कभी दिखे नहीं, क्या है ये, मतलब चक्कर क्या है घुइया का? यूपी में घुइया अरबी को कहते हैं और basically it's like a term which is used कि अरे क्या कर रहा है, घुइया कर रहा है, मतलब it's like ये term ऐसे इस्तेमाल की जाती है जी। लेकिन अब हमारे शो में इतनी पॉपुलर हो गई कि हर चीज घुइया के कोफ्ते, घुइया के पराठे, घुइया ये, घुइया वो, घुइया ये, तो everybody uses घुइया, तो this is like हमने basically घुइया को पॉपुलर किया आपके यूपी में जी। सर सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और ये पूरा शो जो है कानपुर के मोहल्ले पर बेस्ड है, तो शुरुआत में ये कानपुरिया जो लैंग्वेज पकड़ने में कुछ दिक्कत आई आपको? नहीं नहीं, मुझे दिक्कत जड़े हैं, बनारस हुई हैं, मेरे फादर मदर दोनों वाराणसी के हैं, तो हमारा बनारस से रापता रहा है, जाना आना हमारा होता रहा है बनारस, तो छुट्टियों में जाया करते थे गर्मी की हम लोग, तो एक आई नो एक जो लैंग्वेज की जो कंपेटिबिलिटी होती है वो मुझे थोड़ी सी समझती है उसकी, और मेरे कजन से मेरी बात होती रहती है, देन आई कीप ऑन लर्निंग फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर, तो वो ज्यादा परेशानी हुई नहीं मुझे वैसे जी। आपको आसिफ शेख नाम से कम ही लोग जानते होंगे, आपका जो सीरियल का कैरेक्टर वो इतना दमदार है, तो लोग आपको कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी स्पॉट होते तो आपके असली नाम से बुलाते हैं कि जो सीरियल में नाम है उसके थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाय आप यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? घर घर में फेमस है और लोग शाम होते ही बैठ जाते हैं कि सब मिलके देखने के लिए बैठते हैं कि हाँ ये शो देखना है और आज इनको देखना है, विभूति जी आज क्या कर रहे हैं अंगूरी जी के साथ, कैसे छेड़ रहे हैं उनको? ये बड़ी अच्छी ग्रेट फीलिंग है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसी फीलिंग होती है, बिकॉज लोगों ने इतना प्यार दिया और कंसिस्टेंसी के साथ दिया प्यार, और इतने सालों से ये शो चल रहा है, हम लोग 9 साल कंप्लीट कर लिए इस शो के, और द वे पीपल अप्रिशिएट, और हमारी छोटी छोटी चीजें जो हम हमें करते हैं वो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो बड़ी अच्छी ग्रेट ग्रेट फीलिंग है, बहुत मजा आता है ऐसे इसके, लोगों को एपिसोड याद है, लोगों को कैरेक्टर याद है, मेरे अलग अलग कैरेक्टर से जिक्र करते हैं, जैसे कि आपने जो जो कैरेक्टर किया था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या था बड़ा था। मतलब इसका मतलब ये कि वो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ और आपके साथ रेगुलरली दे आर यू नो वाचिंग द शो। सर कॉमेडी करना कितना मुश्किल, क्योंकि आपने फिल्म भी किए हैं और कॉमेडी करना ऐसा माना जाता है कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका क्या मानना है इस पे? देखिए मैं ज्यादा इसके बारे में चाहूंगा, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉमेडी एक ऐसी चीज है, यू हैव इट इन यू और यू डोंट हैव इट इन यू, तो मुझे बड़ा सहज लगा शुरू से कॉमेडी करना, हालांकि मैंने अपने करियर में बहुत लेट स्टार्ट करी कॉमेडी करना, लेकिन उसके बाद जब से मैंने कॉमेडी की मुझे लगा कि कॉमेडी इज इन मी एंड आई शुड परस्यू इट एंड आई शुड यू नो वर्क ऑन इट। मैंने कॉमेडी क्या है कि उसमें छोटी छोटी चीजें, निटी ग्रिटीज ऐड करना उनको, उसको और ज्यादा, बिकॉज क्या है कि
वक्त के साथ साथ यू हैव टू योर करेक्टर हैज टू आल्सो प्रोग्रेस. हम 9 साल से कर रहे हैं, हम लोग 9 साल में आपको सेम चीज नहीं दे सकते ना. वी हैव टू कीप ऑन रेजिंग द बार, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू मेक पीपल लव. तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जितना ज्यादा कुछ डिफरेंट करें, लर्न करें और उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने काम में, तो ये हमारी कोशिश रहती है और अभी तक तो कामयाबी मिली है. जी बिल्कुल. आपकी बीबी खुद इतनी सुंदर है, फिर आप अंगूरी भाभी के पीछे ऐसे घूमते क्यों रहते हैं? आपके मिसेज नारायण जो है तिवारी जी भी उन पे फिदा है, तो कैसा कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप मेरी बीबी के पीछे हैं, आपकी बीबी के पीछे? फिलॉसफी है कि आपकी बीवी कितनी भी हसीन हो, आपको पड़ोसी की बीवी बेटर लगती है. तो ये बेसिकली ये शो इसी पे बेस्ड है कि मतलब यू नो आपके पास कुछ भी है, यू आर लीस्ट यू नो इंटरेस्टेड इन दैट. आपको उसके पास क्या है, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट. और वैसे भी ही इज लिटिल हाई फाई, तो भाभी जी बड़ी रूरल टाइप है, तो उसको उस तरह की औरतें बड़ी पसंद है. उसकी उसकी बौड़मपना, उनकी छोटी छोटी नादानियां, उनकी छोटी छोटी चीजें, ही लाइक्स दैट, ही अप्रिशिएट दैट. इसकी बीवी थोड़ी सी यू नो शी इज लिटिल स्टर्न एंड लिटिल यू नो स्ट्रिक्ट है वो, और हमेशा उस पर एक यू नो नकेल डाल के रखती है उसको. तो वो वहां से उसको एक यू नो बिकॉज ही कैन से थिंग्स एंड गेट अवे विद. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आपस में लोगों के मैसेज है. अच्छा, आप लोगों को लंबे लंबे सीन्स दिए जाते हैं, तो सेट में मस्ती चलती है, तो मस्ती के बीच में वो सारा काम आप लोग अपने सीन्स याद कर लेते होंगे, क्योंकि मस्ती तो चलती होगी, तभी हम लोग जो देखते हैं वो हम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग एकदम दिल से करते हैं वो चीज. देखिए, हर आदमी का, हर कैरेक्टर का, हर एक्टर का अपना इनपुट होता है सीन में. और हम लोग इतने सालों से कैरेक्टर कर रहे हैं, तो हमारा हमको मालूम है कि हमारा कैरेक्टर क्या कर सकता है इसमें, क्या ऐड कर सकता है सीन में, और क्या इसका क्या फ्लेवर ऐड कर सकता है. और दूसरी बात है कि अगर आप कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट हैव अ मोरोज एटमोसफेयर ऑन द सेट्स. आपका एटमोसफेयर लाइवली होना चाहिए, हंसी मजाक होते रहना चाहिए. हम लोग क्या है कि जब रिहर्सल पे जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आधा आधा घंटे पौन पौना घंटे में गपशप मारते हैं, जस्ट टू यू नो एक वो होता ना, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद देन वी स्टार्ट रिहर्सल. तो एवरीबडी इज इन अ गुड मूड, एवरीबडी इज यू नो ऑन अ सेम पेज. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल एंजॉय. यानी कि हमारा डे वन से हमारा ये रूटीन है कि हम लोग जाते ही चलो भाई रिहर्सल करें, ऐसा नहीं होता. वी सी टू इट दैट वी जनरली गपशप मारें, जरा बातचीत करें, इसकी उसकी टांग खींचे, उसके बाद देन वी स्टार्ट द सीन. तो उसका एक अलग मजा आ रहा है. अच्छा, अंगूरी भाभी के साथ जिस तरह से आप बात करते हो, उसका कुछ डायलॉग्स अगर आप सुना दें हमें, कि अगर मैं अंगूरी भाभी हूँ, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ कि कैसन बा, आप तो लड्डू के भैया भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं विभूति जी? अभिजी, मैं आपकी भील सुनीली आंखों में बह जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ. आई वांट टू ड्राउन इन देम. सर, आप हमेशा ही देखे जाते हैं कि वो अंगूरी भाभी को आप करेक्ट करते रहते हैं, वो कुछ भी इंग्लिश की वर्ड बोलती है आप उनको सही करते हैं, तो इसमें आपको कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है. कई बार हम वर्ड भी देते हैं, कई बार भी इसकी जगह ये बोलो तो ज्यादा बेटर लगेगा, और फिर उसके बाद उसके साथ जो वो बोलती है, फिर वो उसका हम लोग कुछ उसका एक दूसरा इम्प्रोवाइज करके कुछ ऐड कर देते हैं. तो वो सब टीम वर्क, यू नो एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व. कि आपने उसको ये बोला तो ये ऐड कर दिया, तो ये हो गया, तो यू नो एवरीबॉडी गिव्स देयर ओन इनपुट इन द शो. सो क्या होता है कि उससे हमारा सीन, बेसिकली हमारी कोशिश रहती है कि हमारा सीन में हमारा अच्छा कॉमेडी का फ्लेवर रहे, उसका जिस्ट भी ना खत्म हो, और एक मे बी इट्स नॉट लाइक लोग पेट पकड़ के हंस रहे हैं, ऐसा नहीं हो मे बी, लेकिन जस्ट स्माइल इज मोर देन इनफ. कि आपने देखते देखते आपको एक चेहरे पे स्माइल ही आ गई, दैट्स मोर देन इनफ. तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सीन्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे उसको और छोटी छोटी चीजें ऐड करके उसमें और यू नो मसाला डालने की कोशिश करते हैं हम लोग. जी बिल्कुल सर, क्योंकि दिन भर की थकावट जो होती है हम लोगों की, वो आप लोगों की सीरियल देख के एकदम हंसी तो आ ही जाती है, और सारी चीज़ें टेंशन वगैरह सब हम भूल जाते हैं. सर, सलमान के साथ भी आपने काम किया, तो क्या कभी सलमान की तरफ से आपको बिग बॉस में आने का ऑफर मिला? क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, तो आप कभी अगर ऑफर देंगे तो आप क्या आएंगे इस रियलिटी शो में? बिग बॉस मुझे कभी एक्साइट नहीं किया. आई नो मे बी इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ पीपल, बट फॉर मी इट वाज नेवर एक्साइटिंग. और जब इनिशियली जब खान साहब ने जब सलमान ने जब शुरू किया था ये शो, दैट टाइम ही आस्क्ड मी करेगा,
तो मैं आई सेड नो, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस. मैं मेरे में वो है ही नहीं कि आई एम एन एक्टर एंड आई वॉन्ट टू लिव लाइक एन एक्टर. कोई रियलिटी शो में जाके आई वॉन्ट बी कंफर्टेबल इन इट, फ्रेंकली स्पीकिंग. जी, आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल रह गया कि हाँ आगे भाभी जी घर पे है, इसके बाद अगर मैं कुछ करूँगा तो इस टाइप के रोल्स करना है मुझे, ये ड्रीम रोल है मेरा। देखिए, कोई टाइप रोल का, ये आप एक राइटर कंसीव करता है और आपको कैरेक्टर देता है, तो उस टाइम आप उसको कंसीव करके एक पोर्ट्रे करते हैं एक डिफरेंट कैरेक्टर का. तो मैंने अभी तक आई हैव डन मोर देन 325 कैरेक्टर्स इन दिस शो. 325 के ऊपर मैंने कैरेक्टर कर चुका हूँ. और दैट वे क्या है कि एक्साइटमेंट मेरी हमेशा रहती है कि मुझे कुछ नया करने का शौक है, कुछ डिफरेंट करने का शौक है. तो आई गेट द मीट, तो उसमें क्या होता है कि वो दैट कैरेक्टर बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोस 5 6 डेज जब मैं उसकी शूटिंग कर रहा होता हूँ. उसके बाद आई पुट इट असाइड. ऐसा मुझे कुछ फ्यूचर में कि कोई ऐसी चीज एक्साइटिंग करे कुछ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता. मैंने मोस्टली सब चीज कवर कर ली है इसमें. लेकिन फिर भी कोई भी एक्साइटिंग कैरेक्टर होता है, कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है, कुछ उसकी अलग नुआंसेस होती हैं. तो आई वुड लाइक टू डू दैट डेफिनेटली. अच्छा, आप अपने घर पे अपनी वाइफ से अगर मस्ती करना चाहें तो किस टाइप के करते हैं? अंगूरी भाभी को जैसे आप छेड़ते हैं, जैसे हम सीरियल में देखते हैं, तो उस टाइप के अगर वो गुस्सा हो जाती है कुछ होती है, तो कैसे मनाते हैं आप? नहीं, घर में बिल्कुल, घर में बड़े ऑनेस्ट रहना पड़ता है. आपको बसे पता नहीं है तो सीधा बोला था यहाँ पे एक्टिंग मत करिए आप, चलिए बी नॉर्मल. तो ये पहले ही सुनने को पड़ता है. तो इसलिए वो घर में बीवी को पटाने के अलग तरीके हैं, अलग नुस्खे हैं, और शो में अलग नुस्खे हैं. तो वहां पे यू कैन नॉट यूज शो के नुस्खे बिकॉज दिस इज समथिंग घर में. और मेरा मेरा सबसे बेस्ट चीज क्या कि जब मैं स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक्टिंग छोड़ देता हूँ. आई आई एम माई सेल्फ, मैं आसिफ शेख रहना चाहता हूँ. मैं स्टूडियो से बाहर, आई नेवर कैरी एक्टिंग होम. मैं कभी दोस्तों में इसमें उसमें कभी, आई डोंट बिहेव लाइक एन एक्टर. मैं एक नॉर्मल आदमी रह के एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई डू. सर, ओटीटी का प्लेटफॉर्म जो है हर किसी के लिए आजकल बहुत ही अहमियत रखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो क्या आप ओटीटी पर भी कुछ करने वाले हैं जल्द ही, लाइक सीरीज और ऐसी करने वाले और मैं जरूर करना चाहूंगा बिकॉज ओटीटी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. वहां पे आपको अच्छी, यू नो, यू गेट गुड प्रोडक्शन, यू गेट गुड कंटेंट, और इतनी बंदिशें, इतनी बैंडिंग्स भी नहीं जितनी बैंडिंग्स आपको टेलीविजन में है. तो काफी इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और मुझे अभी तक कोई ऐसा इंटरेस्टिंग रोल नहीं मिला है. हालांकि लोगों ने अप्रोच किया मुझे कई रोल्स के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा. और जब सब लगेगा आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली डू एंड आई वुड लव टू डू. ओटीटी में करना चाहूंगा मैं, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग रोल आएगा तो जरूर करूंगा फॉर श्योर. मैं हम दोबारा आपको कब देख सकते हैं? देखिए, मैं छोटी मोटी एड वैड्स तो करता रहता हूँ. एड वैड्स दैट आई कीप ऑन डूइंग एंड बेसिकली दिस एक्टिंग बेस्ड एड्स करता हूँ मैं, तो वहां तो आप देख सकते हैं. लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ पाइपलाइन में नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि ये आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको ऐसा दिखूंगा. लेकिन डेफिनेटली कुछ एक चीजें हैं जो मटेरियलाइज हो रही हैं. अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो फॉर श्योर. हम शो में देखते हैं कि तिवारी जी आपको छेड़ते हैं कि आप ये नल्ला है, और आप तिवारी जी को छेड़ते हैं, कच्चा बनियान का बिजनेस करता है, तो ये नोक जोक आप लोग जो करते हैं, तो सीन जब मिलता है तो इस पे पहले आप ऑफ स्क्रीन जाके कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं या आप जैसा मिलता है उसी को करते हैं? देखिए, प्रोसेस होता है. देखिए, प्रोसेस क्या होता है कि सीन हमारे पास आता है, वी गेट द सीन. तो सीन को मेरा अपना प्रोसेस है कि मैं सीन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ता हूँ. पहली बार तो एज अ सीन पढ़ता हूँ, सेकेंड टाइम सीन को समझता हूँ कि क्या राइटर क्या कहना चाह रहा है सीन के थ्रू, और चौथा थर्ड टाइम मैं अपने आप को कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, सो मैं अपने हिसाब से सीन पढ़ता हूँ. तो 3 बार सीन पढ़ता हूँ. मैं याद नहीं करता लेकिन मैं सीन पढ़ता जरूर हूँ. उसके बाद देन आई गेट द जिस्ट ऑफ इट. उसके बाद हम बीच में उसमें फूल पत्ती लगाते हैं कि इसमें ये ऐड कर देंगे, ये वर्ड ऐड कर देंगे, ये. देखिए, बेसिकली यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीन. स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, बट द ओनली थिंग इज वॉट यू चेंज, वॉट यू एड इज लाइक योर वोकैबुलरी. थोड़ा सा आप ऐड कर लेते हैं, कोई आपको नुआंसेस हल्की सी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ये थोड़े से एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं. तो क्या उसको हम बेसिकली वी लाइक टू कि अगर सपोज सीन में वैसे इनबिल्ट ह्यूमर कम है तो वी ट्राई टू इंस्टिल सम ह्यूमर इन द सीन. तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अब करते 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 कितना एक्सपीरियंस हो गया कि नाउ वी नो कि यार थोड़ा ये सीन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक सीन है, तो लाइक लेट्स एड ऑन टू. हालांकि आर राइटर मनु संतोषी इज द फाइनेस्ट राइटर्स कॉमेडी, उससे बेटर कोई लिख नहीं सकता, इतना तो बता दूंगा.
लेकिन क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप मोमेंटम में कई चीज आप इसका मिस आउट कर जाते हैं, तो वी लाइक टू एड ऑन दोस थिंग्स। और वो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक्टर का इनपुट हर सीन में बड़ा जरूरी होता है, अगर अपना इनपुट एक्टर नहीं डालेगा तो सीन में फ्लेवर आ ही नहीं सकता। जी आप दोनों का रिश्ता ऑफ स्क्रीन कैसा है, मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा जी का? I have lot of respect for Rohitash and we respect for you know we respect each other. हम एक दूसरे के क्राफ्ट की बड़ी इज्जत करते हैं and I won't say we are great friends but we have a very cordial relationship. हम लोग एक दूसरे के काम को appreciate करते हैं और I'm extremely fond of him as a person. He's a great guy. He's a great person. बहुत अच्छे इंसान हैं और non hassle और हमारी आपस की compatibility बड़ी अच्छी है कि हम कुछ एक दूसरे की जब खिली उड़ाते हैं तो He takes it nicely and I take it nicely. तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि it's been more than 9 years of the show, but हमारा कभी किसी बात पे कोई confusion नहीं हुआ, कभी किसी बात पे कोई मनमुटाव नहीं हुआ। We are always on the same page. और हमें एक दूसरे के साथ काम करने का बड़ा मजा था। I'm really fortunate to have a co-actor like him. He's generally great. जी सर, जाते जाते आपसे ये जानना चाहूंगे कि अंगूरी भाभी अगर नाराज है तो आप उनको मनाएंगे कैसे आपके अंदाज में? बेसिकली क्या है कि इसमें आई जस्ट पुट लिटिल थिंग्स, तो इसमें मैं कई बार राजेश खन्ना बन जाता हूँ, कभी शिकपुर बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ। तो कभी भाभी जी रो रही होती है तो कहता हूँ भाभी जी इन आंसुओं को पोंछ डालिए, I hate tears and I love you. क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, I really care for you. Thank you so much sir, हमसे बात करने के लिए वक्त निकाल के, और हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें हंसाते रहें, हम हंसते रहें और आपका सफर यूं ही अच्छे से चलता रहे। Thank you so much sir. तो ये थे हमारे साथ आसिफ शेख उर्फ विभूति नारायण मिश्रा, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई और साथ में बताया कि अंगूरी भाभी अगर नाराज हो जाती है तो कैसे वो उन्हें मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।